अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ अचार गोश्त। अचार गोश्त के लिए जो मुझे चाहिए वो मैं बताती हूँ आपको क्या क्या हमें इस्तेमाल करना है। इसके लिए मैंने अदरक ली है गार्निश के लिए और थोड़ी उसके अंदर डालेंगे। इस तरह काट लीजिएगा, एक इतना बड़ा उसका वो ले के तब इसको ऐसे काट दीजिएगा जूरे कटिंग के अंदर। मैंने 5 प्याजें ली हैं मीडियम साइज़ की, उनको ग्राइंड कर लिया है, और 5 टमाटोज हैं लार्ज साइज़ के, उनको ग्राइंड कर लिया है हमने। योगर्ट है मेरे पास 5 टेबल स्पून। आपने गार्लिक लेना है 1 टीस्पून और जिंजर लेना है 1 टीस्पून, ये 2 टीस्पून हो जाएगा दोनों को मिला के। कोरिएंडर हमारे पास है, हरा धनिया जो है हमारे पास ये फ्रेश है, ये आधा इसके अंदर डालेंगे आधा गार्निश के लिए। हरी मिर्चें हैं हमारे पास, इसके अंदर मसाला फिल करके हमें हरी मिर्चें चाहिए कुछ बड़ी। और हमारे पास ये है गोश्त है मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है, 1.5 kg इसमें गोश्त है। और मटन है आप जी, हमने ये लिए कलौंजी है, ये मेरे पास 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून लिए। ये अलग है, ये मसाले के लिए जो मैं इस हरी मिर्चों में फिल करूँगी। इसके ये इस हरी मिर्चों का मसाला है, कलौंजी है 1 टीस्पून, सौंफ है 1 टीस्पून भर के। अच्छा, सौंफ को मैंने ऐसे ग्राइंडर में हल्का सा चॉप ग्राइंड कर लिया है, मतलब ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, मगर बस इस तरीके से आप कर लीजिएगा जो खिली खिली आपको सौंफ भी कहीं नजर आए और कहीं पाउडर भी हो। 2 टेबल स्पून इसमें जो है कोरिएंडर पाउडर है, और जी इसके अंदर चाट मसाला है ये भी 1 टेबल स्पून है। सॉल्ट मैंने 2 pinch of salt है, थोड़ा सा नमक चाहिए बस इसको लेवल बराबर करने के लिए, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं थोड़ा सा बस, ये मैंने लिया है इसका। अब ये आ गया मसाले का, मसाले में हमने 1 teaspoon कलौंजी ली है, 1/2 teaspoon मैंने इसमें मेथी दाना लिया है, अजवाइन है इसमें 1/2 teaspoon और सौंफ है इसके 1 teaspoon भर के लिए मैंने इसमें, इसको भी मैंने ग्राइंड करा हुआ है। कोरिएंडर है हमारे पास, धनिया है जो ये भी मैंने इसमें मैंने 2 tablespoon धनिया लिया है, और क्यूमन सीड जीरा जो है ये भी हमारे पास 1 teaspoon भर के है, नमक है, और जी इसमें चिली पाउडर है ये जाएगा 1 teaspoon। तो ये इसके अंदर है, अब आगे बनाना शुरू करते हैं क्या क्या करते हैं। ये पतीली लेके इसमें मैंने सर्विंग स्पून 3 serving spoon डाल दिए हैं अपने ऑयल के डाल के। अब मैं इसके अंदर ये अपना मसाला डाल रही हूँ, योगर्ट डाल रहे हैं, और ये इसमें योगर्ट चला गया, लहसुन का पेस्ट चला गया 1 टेबल और 1 टेबल गार्लिक का, टमाटो पेस्ट चला जाएगा हमारा, और इसमें प्याज का पेस्ट जो हमने बनाया हुआ ये चला गया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। इस तरीके से बीट कर लेती हूँ ताकि जो दही है वो अच्छी तरीके से फैट जाए, फिट जाए ना। अब इसमें सारा ऑयल चले गए, सारे मसाले चले गए, दही चला गया और प्याज टमाटर सब इसमें मिक्स हो गया है। हमने इस तरीके से करके हमारा जो गोश्त है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, गोश्त को डाल के। अब आप इस उसमें इसको आधा घंटा मैक्सिमम इस तरीके से रख दें। ये मेरे पास अचार है, मिक्स अचार है, मिक्स वेजिटेबल अचार है, तो ये इसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं। आधे घंटे बाद फिर मैं इसे कुक करने रखती हूँ। ये देखिए आधा घंटा हो गया, मैंने इसको आधा घंटा ऐसे रखा रहा है। अब हम आधे घंटे बाद इसके अंदर चम्मच चला के और इसका मैंने फ्लेम ऑन कर देती हूँ। अब आपने गोश्त को इतनी देर पकाना है सारे को कि आपका गोश्त गल जाए अच्छी तरीके से, आपकी बोटी नरम हो जाए। अभी टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आपका आधा घंटा लगता है, 40 मिनट लगते हैं, और इसमें पानी ज़रा सा हम डाल देते हैं। डालने के बाद आप हम इसको मैं इसको रख रही हूँ लो टू मीडियम आंच पे ताकि उसके ऊपर ये पकता रहेगा। इसको कवर करके मैं इसको गलने के लिए रख रही हूँ। इसमें मसाले डाल रही हूँ मैं अपने सारे जो हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसकी पेस्ट बनाने के लिए। अब इस तरह मैं हरी मिर्चों के अंदर इसको फिल करती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल के हरी मिर्चों में भर देते हैं इस तरह। ये 5-6 हरी मिर्चों में इस तरह मैं भर के
तरह हम सारी में को ये पांचों को ऐसे में कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह मैंने ना सारी भर ली है, इस तरीके से सारी भर ली है। अब क्या कहते हैं, अब जब ये हमारा मसाला रेडी हो जाएगा, मतलब गोश्त मेरा गल जाएगा, तो फिर उसके अंदर फिर हम इसमें डालेंगे उसको। देखें जी ये गल गया है मेरे ख्याल से गोश्त, अब इसको 45 मिनट्स हो गए इसके अंदर ही पकते हुए। अभी डिपेंड करता है आपके कौन सा आपने गोश्त लिया हुआ है, कितनी देर में गलेगा, बस उसको गलाना है हमने पूरा अच्छी तरह। गल गया ये, गलने के बाद इसका पानी जितना भी ये वो हम ड्राई करते हैं, और जितने ये मैंने हरी मिर्चों में मसाला भरा हुआ था ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। बस इसको इसका पानी ड्राई करेंगे और इसको क्या कहते हैं उसके बाद डिश आउट करते हैं। देखें जी इसका पानी जितना भी था ड्राई हो गया है, बस इसकी इतनी ग्रेवी रखनी है हमने ना, तो अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये अब कम्प्लीट टर्न हो गया है, ये देखें हमने डिश आउट कर लिया है इसको अचार गोश्त को। तो आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आप कैसा लगा इसका टेस्ट, दुआओं में याद रखें और सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।